पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरही ते नर ना घनेरे। तो लंका कांड में श्री रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा। पास हम लोग अपने आसपास में ये सुनते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इतना सुनते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी कोई बात कहता है और वो खुद पर अमल ना करता हो तो लोग कह देते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब इस पर हम इस बात के दोनों पक्षों पर बात करेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लंका कांड की बात है कि जब मेघनाथ भी मारा गया, विभीषण भी मारे गए और जितने भी योद्धा थे बड़े बड़े, रावण ने सबको आजमा लिया था, सब मारे गए। तो जो लंका की स्त्रियाँ थीं वो रोती थीं, तो रावण उनसे कहता था कि ये संसार नाशवान है और इस संसार की नाशवान वस्तुओं के लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। तभी बाबा तुलसीदास ने कहा कि रावण दूसरों को तो बहुत उपदेश दे रहा था लेकिन खुद माया इतना फंसा हुआ था, माया का इतना गुलाम था कि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। साथियों, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं और इससे संबंधित आपने बहुत सी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि एक व्यक्ति गांधी जी के पास गया, एक माँ अपने बेटे को कहा कि ये मीठा गुड़ बहुत खाता है, चीनी बहुत खाता है, हाँ गुड़। तो गांधी जी ने कहा एक सप्ताह के बाद आना, और एक सप्ताह के बाद जब वहाँ उस बच्चे को लेकर गई तो गांधी जी ने समझाया कि अधिक नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो महिला ने कहा ये बात तो आप तब भी बता सकते थे, ये कौन सी बड़ी बात थी। तो कहा कि देखिए जब आप आई थी उस समय तब मैं भी गुड़ खाता था और जब मैं खुद खाता हूँ तो मैं दूसरे को कैसे उपदेश दे सकता हूँ। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अच्छे जो भी पहुँचे हुए लोग हैं वो उस चीज़ पर खुद भी आचरण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे नर बहुत नहीं मिलते हैं कि जो खुद उस पर आचरण करें, जो दूसरों को उपदेश दें। और ये बात हमारे जो कथावाचक हैं उन पर भी लागू होती है। लोग कहते हैं कि दूसरों को माया से दूर रहने के लिए कहते हैं और खुद महंगी महंगी गाड़ियों, महंगी महंगी चीज़ों का शौक रखते हैं। तो साथियों, एक बात है कि यहाँ पर हम इस तरह समझें कि यदि हमें कोई उपदेश दे तो हम ये ना देखें कि वो खुद उस पर अमल करता है कि नहीं करता। ये तो सच है कि तुलसीदास जी ने यह भी कहा कि जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जो कह रहा है, उपदेश दे रहा है, वो उसको अगर करेगा तो उसको फल मिलेगा, नहीं करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो आप ये ना कहें कि ये खुद कितना अमल करता है, अच्छी बात है तो आप अमल कर लें। आप देखिए मिठाई की जो दुकान वाला होता है, जो मिठाई बेचता है, आप बताइए वो अपनी मिठाई खुद कितनी खाता है। लेकिन हम लोग पूरा जो बाजार होता है उसकी मिठाई खरीदता, उसका स्वाद लेता, उसका आनंद लेता है, जबकि वो खुद मिठाई नहीं खाता। तो क्या हम उसके पास जाएं और कहें, जब भी हम उससे कोई कहें कि हमें एक किलो रसगुल्ला दे दो या एक किलो बर्फी दे दो, तो हम कहें कि तुम भी पहले खाओ, तुम भी खाओ तब हम खाएंगे, तुम खुद तो खाते नहीं और हमें खिलाते। तो साथियों, कहने का अर्थ ये है कि संसार में अगर आपको कहीं से अच्छी बात मिल रही तो आप उसको खुद फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा। अध्यापक ना जाने कितने लोगों को बड़े से बड़े पद पर पहुँचा देता है, तो क्या वो खुद पहुँच पाता है? नहीं, वो वहीं रहता है, अध्यापक ही रहता है, लेकिन खुद की शिक्षा से लोगों को इस दुनिया में आज तक जो भी महान लोग हुए वो गुरु के कारण हुए। तो जितने महान वो खुद हो गए, क्या उनके गुरु भी उतने ही महान या उतनी प्रसिद्धि पाई? नहीं पाई। तो कोई शिष्य कहे कि भाई आप हमें पढ़ा रहे हो, हम अधिकारी बनेंगे, तो आप क्यों नहीं बन गए? तो ऐसा नहीं है कि वो खुद अधिकारी नहीं बन पाया तो आपको अधिकारी नहीं बना सकता। हो सकता है कि उसके पास ऐसा ज्ञान हो कि आप अधिकारी बन सकते हैं, वो नहीं बन पाया। तो कहने का अर्थ यह है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये तो बात सच है, लेकिन अगर आपको कोई उपदेश दे तो अच्छा है, अगर अच्छी बात है तो आप खुद उसका अनुसरण करें।